ठीक है। तो सबसे पहले हम एडमिशन फॉर्म के लेके एक बात करते हैं, और एडमिशन फॉर्म पे हम काम करेंगे ताकि एडमिशन फॉर्म जो हमारा है वो एडमिशन फॉर्म का आपका सही हो जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म में जो जो डिटेल होनी चाहिए, पहले आप जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो पहली बात करें एक बार उसकी डिटेल्स को अपने नोटपैड पे ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि इजीली आप कर सकते हो। और उसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, यहां पे देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे रोल नंबर डालूंगा, रोल नंबर, उसके बाद बाकी चीज आएगी, नेम, रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, ठीक है। हम एडमिशन का फॉर्म भर रहे हैं ना, तो मैं रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट करना है, रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होगा, नेम, तो नेम के लिए आप एक कॉलम बना लो यहां से, इस तरीके से यहां से ये लेके, ठीक है, टीओबी, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, फादर नेम बना लो, बाकी ऊपर हेडिंग वेडिंग और बाकी जो चीजें होती है वो भी डाल सकते हो आप, मदर नेम, क्लास, सेक्शन, और यहां पे आप सब्जेक्ट्स भी डाल सकते हो चाहो तो। फिलहाल इतना ही डाल दे ताकि आपको समझ में आ जाए ना। और हमें ट्रांसफर करने के लिए बटन्स की जरूरत है, तो हमने कोई भी ऊपर से तो नीचे कोई बटन चाहिए वो बटन ले लीजिए, हमें नीचे वाला ही बटन लेते हो, हमें कोडिंग करना है तो नीचे वाला ही रख लेते हो, ऊपर वाला भी कर सकते हो, ऊपर वाला ही करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम करेंगे। और यहां पे ऐड सबमिट जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, एडिट, यहां पे गए एडिट, यहां पे देते ऐड। अब इस डेटा को मुझे इस सीट टू के अंदर ट्रांसफर करने हैं, यहां पे मैं क्लिक करूं तो सीट टू पे चले जाए, तो जो भी हेडिंग्स ऊपर दिख रहे हैं सारे हेडिंग्स को हम ऊपर पहले इस पे पेस्ट करेंगे वन बाय वन, और सिक्वेंसली पेस्ट कीजिएगा ताकि आपको कोडिंग में परेशानी ना हो। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सिक्वेंसली पेस्ट करना, आप अपने हिसाब से पेस्ट कर सकते हो, फिर कोडिंग में आपको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सिक्वेंसली पेस्ट ना करो, ठीक है, और इस तरीके से। तो मैं चाहता हूं कि यहां पे जो भी मैं टाइप, सबसे पहले तो यहां रोल नंबर ऑटोमेटिक ले आया, तो यहां पे हम फॉर्मूले से ला सकते हैं, तो हम इसको सिंपल से फॉर्मूला लगा देंगे यहां पे, मैक्स किसकी जो मैक्सिमम नंबर है उसमें प्लस वन हो गया, आ गया वन, और यहां पे पहली एंट्री हो जाएगी, यहां मान लो कि टू एंट्री कर दिया तब में टू आ जाएगा। और दूसरा कि इसमें मैक्सिमम वन कब आए, जब मैं यहां पे कोई टाइप करूं, नाम टाइप करूं, ऐसे फालतू में नहीं आया हो, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है तो ब्लैंक हो, नहीं तो तब मैक्स लगे, तो ये ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक एंट्री, एक सिंपल सा एंट्री कर देता हूं, जैसे मैं नाम डाल दिया नमन सिंह, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया 10 जून 1980, सॉरी 2012, ठीक है। मदर नेम डाल देता हूं श्वेता,
और यहाँ पे दीपांकर भी आ गया, फादर नहीं मदर नेम हो गया था। जीत क्लास हो जाएगा 0, सेक्शन हो जाएगा 2। ठीक है, अब मैं ऐड पे क्लिक करूं तो मेरा डाटा पूरा यहाँ ट्रांसफर होना चाहिए। चलिए इसमें हम कोडिंग करते हैं, इसी पे कोडिंग करेंगे, डबल क्लिक करें, कट गया कोडिंग। सबसे पहले रोल नंबर को ट्रांसफर करना है, तो हम करेंगे यहां पे कि रेंज क्या यार, इसका नाम C3, C3 है ना, B3, B3, हाँ B3 डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू बराबर हो किसकी, इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें इस पे नहीं, अब गलत होगी, हमने गलत किया, हमने हमने क्या करा होता है कि जब लास्ट में जहां पे ट्रांसफर होती है उसकी वैल्यू पहले आती है, जहां पे टाइप होता है, हमें टाइप तो यहां करना है ना, तो C2 पे करना है, तो यहां पे C2 का नाम भी प्रॉपर्टी नेम C2 है, तो यहां पे हम C2 डॉट रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू बराबर हो जाए रेंज B3 के डॉट वैल्यू। तो क्लिक करते हैं, क्या होगा, C2 की रेंज पे पेट कर देगा। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। तो यहां पे बी आया, यहां पे क्या आ जाएगा B6, और यहां पे A0 हो जाएगा, नहीं सही नहीं, हम A65000 पे है ना, तो फर्स्ट टाइम तो रोल नंबर यहां डाल देगा, तो यहां से यहां आएगा ना, अब नीचे लाके फिर यहां से लाना है, हम इसी के आगे लेके आना है ना, हम यहां पे 0 कर दिया, फिर 1 कर दिया, B3 की जगह हो जाएगा आपका B6, B6। B6 फिर यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, तो 20, हाँ 2 2 2, और B6 की जगह क्या हो जाएगा B8। ये मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। नहीं तो वो नहीं, फिर भी दिक्कत होती है। हाँ, B3 होता है B13, सिक्वेंसी डालने का ही फायदा होता है, मैं इसलिए बोला था सिक्वेंसी डालोगे तो बस कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर सिक्वेंसी नहीं डालते अपने हिसाब से डालते तो यही प्रॉब्लम होती है कि आपको एक एक जाकर वहां पे चेक करना पड़ता। B18, B8, और यहां पे जाएगा 0, और यहां पे हो जाएगा 6। ठीक है, अब एक बार करके देख लेते, तो करने के लिए आपको डिजाइन मोड हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्टिव एक्स कंट्रोल को डाला है, और ये डालते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं इसको डिजाइन मोड को हटा दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, आ गया, और ऐसा डालने के एक और फायदा था, अब इसमें एक दिक्कत हो सकती थी, आप बोला ना कि मैं यहाँ पे हर ABC यहाँ पे जो 1, 2, 3 अलग अलग किया है उसके जगह पे मैं यहीं पे BCDEF कर देता, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता कि कोई एक ब्लैंक होता, जैसे मान लीजिए कि इधर नहीं था तो रोल नंबर यहाँ टाइप होता लेकिन बाकी सारा ये ऊपर टाइप हो जाता। एक तरह से मतलब उनके बीच में एक ही कॉलम का डिफरेंस है, मतलब 1/2।
या तो फॉर्म पे ऐसा नहीं। हाँ हाँ अच्छा नहीं दिखेगा। दूसरी आप आगे कंडीशन भी तो लगानी है आपकी, अब आगे देखिए इसमें कंडीशन लगानी है ना हमें। दूसरा है, दूसरा हमें क्या करना है कि अभी क्या है कि ऐड करने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ, या अभी कंफर्मेशन मुझसे नहीं मांग रहा है दुबली, वो तो आगे की चीज है। सबसे पहले एक कंफर्मेशन मांगे। जब भी आप फॉर्म पे क्लिक करते हो, आप वेबसाइट पे ही जाते हो, फॉर्म पे क्लिक, फॉर्म फिल करके यस पे क्लिक करते हो, तो आपसे कंफर्मेशन मांगता है यस एंड नो। जैसे मैं डिलीट ही करता हूँ कॉलम को, तो मुझसे यहाँ पे बोलता है ना डू वांट टू डिलीट, मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो होता है नहीं। तो बेसिकली ये है क्या, ये जो ये एप्लीकेशन अलर्ट आ रहा है, हम जानते हैं कि ये अलर्ट है, लेकिन ये अलर्ट आखिर होता क्या है। बेसिकली ये मैसेज बॉक्स होता है। आप प्रॉब्लम आ गई, सर मैसेज बॉक्स हम लोग यूज करते हैं लेकिन उसमें सिर्फ आपका ओके का आता है, हम ओके पे क्लिक करने में बंद होता है, लेकिन मुझे ओके या पे क्लिक करने, ओके पे डिलीट करने के लिए फलाना जाम चाहिए हमें। तो यहां पे हमें आता है कस्टम डायलॉग बॉक्सेस का यूज। आपका जो बुक है, बुक के अंदर जो चैप्टर आपका है पाइवट टेबल्स, ऐसी क्या बोलते हैं उसको, यूजर फॉर्म से पहले जो चीजें हैं, यूजर फॉर्म से पहले अगर चीज देखोगे, हाँ नहीं, यूजर फॉर्म के चैप्टर से पहले ही आपका एक कस्टम डायलॉग बॉक्स का चैप्टर है, तो उस पे उस चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है, तो मैं आपको उसी उसी चैप्टर की चीजें बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। माने चैप्टर 10 है आपका, चैप्टर 11 से आपका यूजर फॉर्म स्टार्ट है, तो चैप्टर आपका 10 है कस्टम डायलॉग बॉक्स अल्टरनेटिव, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 और बुक का पेज नंबर है 398, पीडीएफ का पेज नंबर क्या है पता नहीं। इसमें इनपुट बॉक्स के बारे में दिया गया, लेकिन इनपुट बॉक्स के बारे में बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम मैसेज बॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैसेज बॉक्स सबसे पहले, तो मैसेज बॉक्स हम यहां पे MGS बॉक्स कर दें, और यहां पे MGS बॉक्स है ना, MSG बॉक्स तो होता है, MSG बॉक्स होता है, MSG बॉक्स डू वन टू, टू वन टू, एड डेटा, ठीक है। अगर मैं अब इस पे क्लिक करूं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं है, बस कोई फर्क नहीं आना, मुझे इस पे दो तीन बटन चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होता है, क्योंकि मैसेज बॉक्स जब यस या नो करेगा तो कहीं स्टोर तो करेगा ना वैल्यू, कहीं 0 1 2 चाहे जो भी नंबर्स हो, कुछ ना कुछ जो भी इनपुट हो, तो बाद में देखेंगे भी, वो कहीं ना कहीं स्टोर तो करेगा, तो स्टोर यहां पे स्टोरेज वाइज कोई है ही नहीं, तो इसी केस के लिए हम यूज करेंगे अपना वेरिएबल। तो इसका वेरिएबल हमेशा इंटीजर होता है, ठीक है, एम एज ए इंटीजर, क्योंकि 1 2 3 4 नंबर रिटर्न करता है। उसके बाद यहां पे हम करेंगे एम इक्वल टू, एम इक्वल टू, अब यहां पे हम ब्रैकेट देंगे। हम आपको बोला था कि मैसेज बॉक्स में ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम वेरिएबल के जरिए यूज करते हैं तो हमें ब्रैकेट देने की जरूरत पड़ती है। ब्रैकेट देते ही क्या आता है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जो मैसेज डिस्प्ले होता है, बटन्स, आपको बटन्स कौन सा चाहिए, तो कॉमा लगाते ही बहुत सारे बटन्स आपके आ जाएंगे। हाँ तो इसमें है ओके कैंसल, ओके ओनली, ओके ओके, क्वेश्चन सिंबल्स होते हैं यस और नो, यस एंड नो, यस नो कैंसल, तीन चाहिए ना हमें, हमने तीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यस नो कैंसल। तो इससे क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसमें यस नो कैंसल, मतलब यस कर लो, नो नहीं करेगा डेटा ट्रांसफर, कैंसल मतलब कि अभी कुछ करेगा ही नहीं, यहां रुक जाएगा। और एक चीज और आगे कि हमें ये चीज ऊपर देना है ना भाई,
ये तो यहां पे ये कब चलेगा, जब डेटा ट्रांसफर कर चुका होगा। हमें डेटा ट्रांसफर से पहले चाहिए ना, तो उस केस पे सब कट करके ऊपर पेस्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है कि जब मैं इस पर ट्रांसफर करूं तो एक क्वेश्चन मार्क, जैसे कि यहां पे देखिए जब डिलीट करता हूं तो एक सिंबल आता है ना, ये अलर्ट का सिंबल। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, इसी तरह से क्वेश्चन का सिंबल है। तो इसमें आपने देखा था ना क्वेश्चंस का एक था वीवी क्वेश्चंस, तो इसमें आप प्लस कर दो वीवी क्वेश्चंस। यहां पे क्वेश्चंस देखा था ना आपने भी, क्वेश्चंस प्लस करना होगा, ठीक है। अब अगर प्ले करोगे इसको, आया क्वेश्चंस, ठीक लग रहा है। तो इस तरह के कस्टम डायलॉग बॉक्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडीशन देना होता है कि भाई ये करना है कि नहीं करना है, ये करना है कि नहीं करना है। तो कंडीशन है हमें क्या करना है, कि हमें कैंसल्स और नो पे, दोनों पे रोक देना है। तो यहां पे करेंगे कि इफ एम इक्वल टू, यहां पे आप लिख दो वीवी नो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इसका नंबर होता है जो कि आपके बुक में दिया होगा कि उसके नंबर्स का क्या क्या होते हैं, कैंसिल पे क्या होते हैं और उस पे क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर्स को देख सकते हो। तो वीवी यस यस नो है हमारा, नहीं वीवी ओके कैंसिल अपलोड ट्राई, यस पे 6 होता है, नो पे 7 होता है, और कैंसिल के लिए 2 होता है। तो आप इसे भी कर सकते हो कि वीवी यस नो या वीवी कैंसिल, यहां पे हम दे देते हैं ये नो के लिए है 7 और एन इक्वल टू 2 है कैंसल के लिए, देन एग्जिट सब, फिर यहां पे ए एन डी एंड एफ, ठीक है। तो जैसे ही कोई बटन पे, अभी 6 तक है ना, 7वां नहीं जुड़ेगा, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा, पूछा, और मैंने इसमें नो पे क्लिक किया तो देखो यहां पे 7वां नहीं आया, यहां पे मैं कैंसिल पे किया फिर भी 7वां नहीं जुड़ा, लेकिन जैसे मैं यस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, 7वां ऐड हो गया। तो ये हमारा एक प्रॉब पूरा हो गया। दूसरा प्रॉब है कि जब मैं क्लिक करूं और जब होने के बाद ये पूरा ब्लैंक हो जाए, मतलब कि ए ब्लैंक ना हो, ये तो अपने फॉर्मूला लगा हुआ अपने हो जाएगा, ए ब्लैंक हो जाए हमारा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये जो पूरा रेंज दिख रहा है ना, ये पूरे रेंज को कॉपी करेंगे, इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू ब्लैंक, एट टेन थर्टीन के बाद 16 एंड 18 नहीं, ये तो यस नो पे चलेगा नहीं, इस यस पे कैंसिल होगा ना, नहीं होगा, नहीं करना है, नो नहीं कर, अगर मान लो यस पे क्लिक किया नो नहीं कर रहा है, मतलब कोई गलती है नहीं, जब मैंने यस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, तो एक बार यस पे क्लिक करने से पहले चेक किया, पता चला कि गलती है यहाँ पे, तो यहां पे नो कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं, और नो पे कुछ और करवाना है तो उसके लिए कंडीशन दे देंगे, यहां हटा देंगे इसको, इसको इसके अंदर डाल देंगे, एल्स में कुछ और पार्ट डाल देंगे, ठीक है ना। वो तो कर सकते, लेकिन यहां पे दोनों नो और कैंसिल दोनों सेम है, क्लियर है। दूसरा काम करते हैं कि जैसे ही मतलब कि हम यहां पे टाइप करें तो हमारा क्लास के अंदर टेक्स्ट नहीं होना चाहिए,
क्लास के अंदर हमारा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे इसके लिए? सबमिट पे क्लिक करने के बाद हम तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि उसमें टेक्स्ट ना हो, लेकिन एक्सेल में कैसे करोगे? हम एक्सेल टाइप करते ही सही है, जैसे मैंने कहीं भी टाइप किया क्लास में नंबर टाइप हुआ तो बता दे भाई देयर इज टाइप इन द नंबर। इसके लिए यूज करते हैं सीट इवेंट। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और चले जाएंगे व्यू कोड पे। तो क्या होगा, सॉरी यहां पे एक पार्टिकुलर कमांड बटन है ना, कौन सा हमारा सीट डेटा नहीं, इस पे है ना सीट वन पे, सीट वन पे। तो ये हमारा कमांड बटन है, तो कमांड बटन की जगह हम वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे और एक्शन दे देंगे हम चेंज, मतलब कोई डेटा चेंज करे तो, कोई डेटा चेंज करे तो। हमने फॉर्मूला में हमें हमें ये पता करना होगा कि भाई नंबर है कि नहीं है। तो हम यहां पे कंडीशन, सबसे पहले तो हम कंडीशन ये देंगे कि जो सिलेक्टेड एरिया है, जो हमारा सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन जो है, वो सिलेक्शन मतलब कि हमें जो चेक करना है इसी पे। तो सबसे पहले सिलेक्शन देखना होता है यहाँ पे, कि जैसे कि यहाँ पे अगर कोई नंबर टाइप किया तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि मैक को कब अनरन होता है इसके अंदर, जब आप एंटर करते हो, ठीक है ना, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम एक पार्टिकुलर एरिया नहीं दे रहे हैं इसमें कि पार्टिकुलर एरिया पे रन हो, मैं सीधे बोल रहा हूं कि यहां पे कि कोई भी चीज चेंज करे तो चेक करे कि इफ इज न्यूमेरिक, इज न्यूमेरिक, इसके अंदर दे देंगे रेंज बी सिक्सटीन डॉट वैल्यू इक्वल टू फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स, हाँ इक्वल टू फॉल्स, देन देन एम एस जी बॉक्स, ठीक है, एम एस जी बॉक्स इकट्ठा नहीं होता, इकट्ठा होता है अलग अलग नहीं होता है, कि प्लीज एंटर क्लास इज नंबर, ठीक है, यदि हमने यहां पे एंड, तो यहां पे सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह डाल दिया, जैसे एंटर वाला बोल दिया ना, अब इसको खाली भी करना है आपको, हाँ ब्लैंक हो जाए तो इसको उठाओ, और यहां पे इक्वल टू ब्लैंक नहीं करेंगे, ब्लैंक तो ऑलरेडी टेक्स्ट ही है, ये तो टेक्स्ट ही है ना, ठीक है ना, तो जीरो कर देगा। जैसे यहां पे कुछ हमने नंबर टाइप करके एंटर मारा, ओके पे क्लिक किया, जीरो हो गया, क्लियर है। अब बात यह आती है डुप्लीकेसी की, तो यहां पे डुप्लीकेसी कैसे देखोगे आप, कैसे डुप्लीकेसी है, दीपक क्या एक चीज यहां लगाना जरूरी है? हम यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं करना चाहते, इसमें तो होता है, हो सकता है कोई दो बंदे एक ही बाप एक ही जुड़वा बच्चे आ गए तो क्या होगा, नाम ही ओके। तो इसमें आपको इस चीज को चेक करने के लिए आपको बी लुकअप यूज करना पड़ेगा या फिर काउंट इफ यूज करना पड़ेगा, ठीक है, बट काउंट इफ में प्रॉब्लम में आएगा कि यहां आपको इस डेटाबेस में यहां पे इसको तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा, हाँ तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, या फिर एक ऐसा सा कुछ
हाँ तो उस हाँ और जो नमन सिंह नाम अगर आप फिर से दे रहे हैं तो एक बॉक्स टाइप का है जिसमें नमन सिंह का नेम एज और वो तीनों चीजें शो कर रहे हैं, तो हम तुरंत अपनी एंट्री और जो डेटाबेस में एंट्री करने जा रहे हैं उसको मैच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट हो रहा है। तो इसी के नीचे करेंगे ना, तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ, पहले एक वेरिएबल देते हैं ड्यू, ड्यू सी एज ए इंटीजर, हमने बोला सी एक इंटीजर है, और बोला यहां पे बोलते हैं हम कि सी इक्वल टू काउंटी पेयर लगता है या फिर एप्लीकेशन से लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है, एप्लीकेशन से लगेगा, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ में हम बोलते हैं ए शीट टू की, सॉरी शीट टू डॉट रेंज, रेंज कौन सा होता है, बी कॉलर है ना इसका नेम का, हाँ एक मिनट, रेंज बी बाई बी, पूरे बी कॉलम में अगर नेम मतलब कि जो हम नेम प्रिंट करने जा रहे हैं अगर वो डुप्लीकेट वैल्यू डबल टाइम है तभी वो मेरे काउंट इफ की प्रोसेस को रन करे, वरना प्रोसेस को रन ना करे, ठीक है। यहां पे करेंगे कि इफ सी इज ग्रेटर देन 0 देन 0 होगा, वन क्यों होगा, वन तो होगा ही होगा, ग्रेटर देन वन कर देंगे तो फिर एक बार में नहीं देख पाएगा ना वो, ऐसा हो। अब इसके लिए हम एक मैक्रो बनाते हैं चेकिंग करने के लिए, सब्जेक्ट आर आर, ठीक है, यहाँ पे हम लूप सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे काउंट में आर, आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, ठीक है, काउंट ए में हमने यहाँ पे किया शीट टू डॉट रेंज, नहीं काउंट 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 काउंट, नहीं एसी नहीं 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 एसी नहीं नेम जरूरी सी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, रेंज B3, समझ में आया क्या, समझ में आया यार, लास्ट नंबर तो यही जा रहा है ना हमें 107 तक तो चेक करने, तो यहाँ पता है हमें कि ये नंबरिंग एक से स्टार्ट, यहाँ पे एक से स्टार्ट है या दो से स्टार्ट है जो भी हो, तो यहीं पे चेक करने ना, तो यहाँ पे करेंगे फोर आई इक्वल टू वन टू आर माइनस वन, क्योंकि 8 तो है ही नहीं, ठीक है, चल नहीं माइनस मत करो क्योंकि एक से स्टार्ट है ना हमारा, दो से स्टार्ट है ना, सीट नंबर टू है, हाँ पहला में तो हेडिंग है ना हमारा, तो यहां से स्टार्ट करना, तो यहां से 8 चलेगा तो यहीं आएगा, ठीक है, तो यहां पे हुआ, अब यहां पे चेक करना है कि इफ इफ सीट टू डॉट रेंज सेल, सेल्स सेल्स में हम करते हैं यहां पे आई हमारा हो जाएगा रो नंबर, ठीक हाँ आई कॉमा टू डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज, क्या हमारा रेंज B6 डॉट वैल्यू, फिर यहां पे एंड, ठीक है ना,
भाई तो तीन कंडीशन चेक होने चाहिए सारा। यहां पे जाएगा थ्री और थ्री फिर इक्वल टू हो जाएगा रेंज बी कितना है बी एट डॉट वैल्यू। फिर यहां पे वापस आएगा ए एंड दी एंड बेस करेंगे और थ्री की जगह हो जाएगा फोर और फिर यहां पे होगा एंड क्या वहां इक्वल टू आप कीजिएगा इक्वल टू रेंज बी टेन। तो बाकी और भी करना चाहते हो तो और भी एंड लगा लो कोई तो दिक्कत नहीं है ठीक है। टी एच ई एन देन देना जरूरी है देन। अब इस पे प्रॉब्लम है कि वैल्यू रिटर्न कहां करेगा तो एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा डिम सी ओ एज ए इंटीजर। तो सी ओ इक्वल टू इंटीजर रख दे ना इंटीजर होगा या फिर एज ए बुलियन कर देता हूं ना और यहां पे आर इक्वल टू सॉरी सी ओ इक्वल टू ट्रू और यहां पे एंड एंड नहीं एल्स कर देते ना एल्स सी ओ इक्वल टू फॉल्स। ओके ओके क्यों क्योंकि सर ये तो कंडीशन अगर सारी मैच हो जा रही है देन व्हाई वी आर पुटिंग सी ओ एज ए ट्रू। तो वहां पे वहां भाई हम क्या इसका मतलब क्या है कि डुप्लीकेट है कि नहीं है। डुप्लीकेट है तो ट्रू आएगा फॉल्स मतलब कि नहीं है कंफ्यूजन भरा क्यों करते हो ठीक है ना। अब यहां पे हम आएंगे और कंडीशन देंगे कि इफ सी एन जीरो तो यहां पे आर आठ चले ठीक है आर आठ चला और फिर यहां पे एंड ठीक है आर आर चला दिया इसने और फिर यहां पे जो आर आर चलेगा जो आर आर चल गया तो उसी में एक और इफ लगा देते हैं कि इफ सी ओ ट्रू देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ट्रू फॉल्स ही है इसलिए बुलियन डाला था मैंने। तो यहां पे आ जाएगा एम एस जी बॉक्स कि दिस पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड ठीक है यहां पे हो जाएगा एग्जिट सब यहां पे एंड इफ ठीक है। अब इसको हम करके देखें एक जो एंड टू यस यहां पे एंड सब में क्या हुआ अच्छा विथआउट अच्छा हमें नेक्स्ट दिया ही नहीं नेक्स्ट दे दिया क्यों लिया यहां पे सीओ काम नहीं कर रहा है क्या और कोड चला है एग्जिट सब करना था यहां। इसका मतलब है कि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है वो सिर्फ एक इसमें काम करता है एक मॉड्यूल में काम करता है समझ गए। हाँ जैसे कि अगर मैं यहां पे
एंड करना चाहूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एंड करता हूँ, और एंड करने के पहले ऊपर में कर देता हूँ यहाँ पे मैं MSG बॉक्स, ये पता चल जाएगा ना, सी ओ, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करूँ, यश डू वांट टू, यहाँ पे कर दिया यश, तो ब्लैंक आ रहा है, सी ओ काम नहीं कर रहा। तो इसी केस में अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा माइक्रो इधर आ गया, भाई अब कैसे करें, यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन भाई मैं पेस्ट नहीं करना चाहता, कोड बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर हो सकता है 256 MB से ज्यादा चला जाए, 256 KB से। तो उसी केस के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, इसलिए मैंने आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ाया था कि यहां पे हम RR नाम के फंक्शंस यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? फंक्शंस, FUNCI, फंक्शंस। क्या? और फंक्शन का नाम जो RR है ना, वो RR यहां आ जाएगा, ठीक है, एंड फंक्शन हो गया। अब मैं यहां पे जो हमने यहां पे आरआर किया है ना, तो आरआर के अंदर हम यहां पे कर देंगे क्या पता है, यहीं पे आरआर, यहीं पे ये जो हुआ ना, तो इसको हटाते हैं और यहीं पे करते हैं सीओ की जगह पे आरआर, ठीक है ना, आरआर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज फंक्शन है, इसलिए बाकी ओपन क्लोज करना पड़ेगा, बाकी सीओ देने की जरूरत नहीं है। और ऊपर एंड जो हमने ये दे रखा है इसको हटा देता हूँ ना, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर मैं इस सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई सही है, कोई बात नहीं, गलत क्या होना है, सब एक ही नंबर है। यहाँ पे अजीत, यहाँ पे श्वेता 0, यहाँ पे सेक्शन हो जाएगा 2, ठीक है। और मैंने इस पे ऐड कर, इस पे नंबर क्यों नहीं आया, इसे पेस्ट कर, अच्छा ओ हो, यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने ब्लैंक कर दिया इसको भी। If, अगर ये इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इसमें चले मैक्स, और मैक्स में ये चले आया ना 8। मैं इसको ऐड करूं, यश, तो फंक्शन इसीलिए मैं अजीत कुमार कर देता हूं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक चीज और करना चाहिए, सेम क्लास, हो सकता है भाई वो फर्स्ट में लड़का था, सेकंड में एडमिशन ले रहा हो, फर्स्ट में ही से किया था कुछ साल पहले, सेकंड कर रहा हो, समझ रहे हो ना। हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये डुप्लीकेशन वाले एक बार फिर से आप शॉर्ट में बता दीजिए, जो आपने बहुत दूसरी शिफ्ट पे लिखा था, डुप्लीकेशंस में हमने क्या किया, इस डुप्लीकेशंस का हमने फॉर्मूला बना दिया, हमने इसको एक फॉर्मूला आरआर नाम का एक फॉर्मूला बना दिया, जो कि क्या करता है, एक लूप चलाता है कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया, मान लो यहाँ पे रवि नाम डाल दिया, अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो गई है, मैंने हाँ B6 हमने यहाँ पे कर लिया ना, इसलिए B3 को ब्लैंक नहीं करना था, इसलिए ऐसी दिक्कत आई, पर एक बार सही कर लेता हूँ,
इफ इक्वल टू जीरो दो ब्लैंक नहीं तो मैक्स। तो ये मैक्स क्या करता है, सबसे हाईएस्ट नंबर निकाल के हमें देता है। प्लस वन तो नौ आया, मतलब कि हमारी 8 तक की रिकॉर्ड्स एंट्री हो चुकी है। तो मैं यहां पे इस पे लूप लगाया कि मेरा आई चले 2 से लेके 8 तक, मतलब कि 8 तक को, क्योंकि हमारी पहली हेडिंग दूसरे सीट में पहली हेडिंग है। फिर मैंने इफ को बोला कि इफ सी टू सेल्स आई कमा टू, मतलब ये क्या हो गया, आई क्या है अभी फिलहाल 2 था, ए 2 है तो बी 2 बन गया, किसकी सी 2 की, मतलब कि सी 2 की जो बी 2 है क्या ये बराबर है बी 6 के, सी 1 के बी 6 के। अब लो सर इसमें आपने सीट वन तो दिया ही नहीं, क्योंकि हम जब मैक्रो रन करेंगे वो सीट वन पे ही रन करेंगे, तो डिफॉल्ट इसी का पकड़ेगा वो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर दूसरा चेक करेंगे कि क्या इसका डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर रहा है, क्या इसकी फादर नेम भी मैच कर रहा है। अगर ऐसा तीनों मैच करता है तो फंक्शन का रिटर्न होगा ट्रू, अगर नहीं करता है तो फंक्शन रिटर्न करेगा फॉल्स। सेम चीज अगर हम इसको यहां पे लगा के बता सकता हूं, आर आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फॉल्स आया क्योंकि तो मैच नहीं कर रहा है। मैं यहां पे अगर हाँ यहां पे अगर नमन डालू एन ए एम ए नमन, डेट ऑफ बर्थ था 10 जून 2011 और फादर नेम था अजीत, अच्छा नमन सिंह था ना, सॉरी एस आई एन जी एस सिंह, नमन सिंह ओ ओ 6-10 अजीत AGIT अजीत, कोई स्पेस स्पेस नहीं था ना, एन ए एम ए एन ए एम ए नमन और AGIT अजीत, फॉल्स नहीं आना चाहिए यार, 6-10-2011 6-10-2011 सही तो है, फादर नेम अजीत है, फिश मदर नेम श्वेता है, मदर नेम तो दिया ही नहीं ना, मदर नेम नहीं दिया था इसने। तो एक मिनट मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह में पंगा है। हाँ इसमें पंगा क्या हो रहा है पता है, नहीं समझ में आया, अब मुझे समझ में आया, लास्ट लास्ट वाले को पकड़ रहा है, क्योंकि हमने इसमें अभी दिक्कत क्या हुई है इस चीज को समझो, यहाँ पे ये तो हर बार चेक करेगा और RR को क्या करेगा, वो ट्रू करता गया, तो लास्ट में नहीं मिला तो उसने फॉल्स से रिप्लेस मार दिया। इसीलिए हम वो जो वैल्यू कीप करने की चीजें जब हम सिखाए थे आपको, इसलिए सिखाए थे, यहाँ पे करेंगे आर इक्वल टू आर नाम के वैल्यू लेते, आर इक्वल टू आर प्लस वन, और यहाँ पे एल्स देने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और इफ के मतलब आई के बाहर हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर आर पे कोई भी वैल्यू स्टोर हुई है तो इफ R is greater than 0 then क्या हो RR equal to true, फिर else RR equal to false, फिर यहां पे एंड, अब सही रिजल्ट आएगा आपका, आएगा ट्रू।
आया समझ में? हमने क्या किया, हमने बोला कि जैसे जैसे तुम्हें वैल्यू मिलती जा रही है, आर पे तुम नंबर स्टोर करते चले जाओ। आर पे जितने नंबर स्टोर होगा, और आर पे कोई भी एक नंबर स्टोर हुआ इसके मतलब है कि कोई एक डुप्लीकेट तो है ही। तो बाद में चेक किया कि अगर आर पे कोई भी एक नंबर स्टोर है तो भाई ट्रू कर दो, नहीं तो फॉल्स कर दो, रिजल्ट फॉर्म मिलेगी। क्लियर है? कोई डाउट? और दूसरी कि अगर मान लो किसी ने नेम ही एंटर नहीं किया और ऐड पे क्लिक कर दिया तो खामा खा ये सारा चलेगा। तो ये भी कंडीशन देनी पड़ेगी आपको भैया कि जब तक नेम ना हो तब तक ना चले। तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या देनी पड़ेगी, हमारी जो ये जो मैसेज बॉक्स से ऊपर ही देनी पड़ेगी ना। मैसेज बॉक्स भी क्यों चलाऊं मैं, ठीक है ना? कंडीशन होगा यहां पे कि इफ रेंज, अब दूसरी चीज है कि इसकी लेंथ भी चाहिए मोर देन थ्री, तीन कैरेक्टर से बड़ा नाम होना चाहिए, नहीं दो दो से बड़ा होना चाहिए। तो हम देंगे यहां पे LEN लेन, और इसके अंदर में डालेंगे हम रेंज B6 डॉट वैल्यू, इसकी लेंथ जो है होने चाहिए ग्रेटर देन टू, सॉरी यहां पे लेस देन टू, लेस देन इक्वल टू टू, देन मैसेज बॉक्स हो MSG बॉक्स, और यहां पे शो करें कि प्लीज एंटर नेम मोर देन देन टू डिजिट्स, और फिर यहां पे एंड इफ। लेकिन इससे तो आपके माइक्रो में फर्क पड़ेगा नहीं, माइक्रो तो एंड होगी नहीं, तो इसके लिए हम एंड इफ से पहले क्या लिखेंगे, एग्जिट सब, एग्जिट सब, ताकि वो सब्जेक्ट को एग्जिट कर दे। तो इस तरह की फॉर्म्स पे हम वैलिडेशन लगाते हैं। अब इसका, अब बताइए इसका फायदा क्या हुआ, हम टाइप तो यहां भी कर सकते थे, हमने टाइप यहां पे क्यों करवाया? हमने टाइप यहां पे क्यों करवाया? क्योंकि यहां पे जो कंडीशंस, इतने सारे वैलिडेशन हमने लगाए हैं, वहां पे लगाना मुश्किल हो जाता। दूसरी चीज कि इस सीट को मैं हाइड भी कर सकता हूं, ताकि मेरा पहले के जो डेटा चीजें हैं वो उड़े नहीं। जैसे होता है ना कि आप गूगल में अकाउंट बनाते हो तो उसमें पहले किस किस ने अकाउंट बना रखा है ये थोड़ी बताता है आपको। तो यहां भी सेम होगा कि किसने किसने एडमिशन ले रखा है, उसको दिखाने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है ना? अब इसमें क्वेश्चन ये आती है कि अगर मुझे अलग सीट पे करना होगा तो क्या करेंगे, अलग सीट तो है, अलग फाइल पे। हाँ मतलब सुनिए क्या होगा कि सबसे पहले तो अगर फाइल खुली हुई तो ठीक है, अगर फाइल नहीं खुली होगी तो पहले उस फाइल को खोलना पड़ेगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप लोग इसको करके देखिएगा, फिर मैं आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या स्टॉपिस क्या होगा कि जहां जहां हमने सी अदर सीट का रेफरेंस लिया है ना, सबसे पहले यहां पे मान लीजिए कि हमने ये RR फंक्शन चलाया ना, ये भी सीट 2 का पार्ट है ना, ये यहां भी चल रहा है। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर वर्कबुक को ओपन करवाना पड़ेगा, ओपन हो जाएगा, और जहां जहां आपने सीट 2 लिखा है, सीट 2 से पहले आपको लिखना पड़ेगा वर्कबुक्स, और इसके अंदर में उस बुक का नाम Book 1 with extension XLSM, ठीक है, और फिर डॉट लगाना पड़ेगा। हाँ
पहले तो डालना तो सीखो, निकालना सिखा देंगे हम लोग। सर मेरे को ना क्लास में डालते हैं, हाँ क्लास में जो आपने बताया था उसकी जो कमांड हमने अलग से लिखी थी कि इसमें सिर्फ हमें नंबर ही डालना है, डिजिट नहीं डालना है, तो हमने नीचे अलग से सेपरेटली लिखा। तो नाम के लिए हमने कि नाम नेम मोर देन टू डिजिट होना चाहिए वो इसी के ऊपर में लिखते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि आप सीट की, यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि सीट का वैल्यूएशन लगाना था भैया, इस पे टेक्स्ट नहीं हो सकती, इस पे नंबर हो सकता है। तो हम इस पे ये भी कर सकते हैं, जब ऐड पे क्लिक करें तो ऐड पे क्लिक करने के बाद हमें पता है कि भैया गलत है, चेंज करो। तो हम कहेंगे भाई ऐड पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम यहाँ पे टाइप करोगे उसमें तुम्हें बता देगा। दो तरह की चीजें होती है ना, एक तो आप जब पूरा फिल कर लेते हो फिर करते हो तो ऊपर बताता है कौन कौन गलत है। अगर आपको टाइप करते समय ही बता दे कि गलत है तो अच्छा रहेगा ना, बाद में फिर चेक कर, ऊपर नीचे चेक नहीं करना पड़ेगा आपको। आप इंटरनेट में फॉर्म भरते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जहां पे उसी समय बता देते हैं कि प्लीज एंटर द नंबर, प्लीज एंटर द फलाना है? लेकिन कुछ ऐसे वेबसाइट होती है जब सबमिट पे क्लिक करने के बाद बताते हैं कि समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग, और ढूंढते रहो कहां कहां मिसिंग है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यूएशन यहां पर लगा दो, वैल्यूएशन है वहां पर लगा दो, जो कंफर्टेबल हो आपको। तो ये जो हमने क्लास अलग से लिखा ये हमें सबमिट करने से पहले पता चल जाएगा? हाँ पता चल जाता। तो इसके लिए मैंने सीट का इवेंट चुना, इसके लिए मैंने इस पे, इसके लिए मैं एक अलग से सीट का इवेंट, एक क्या था बटन का इवेंट था। अभी क्या आप लोग इवेंट पढ़ रहे हो, कमांड बटन डॉट क्लिक ऑटोमेटिकली आया है डबल क्लिक करने से, और क्लिक के जगह कुछ और भी इवेंट डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या आप चाहते, कोई डबल क्लिक करे तब ये चीज आए तो डबल क्लिक हो जाएगा, सिंगल क्लिक पे नहीं आएगा। गेट फोकस, कर्सर ले आते ही कीबोर्ड ले आते ही दिखेगा। तो ये सारे हम इवेंट्स डालते हैं, उसी तरीके से एक सीट का भी इवेंट होता है, वर्कशीट का भी इवेंट है चेंज। जब कोई चेंज करे, जब कोई सिलेक्शन करे, बिफोर डबल क्लिक, बिफोर राइट क्लिक, डीएक्टिवेट, एक्टिवेट, कैलकुलेट, मतलब कोई फॉर्मूला अपना रिजल्ट चेंज करेगा तब, कोई हाइपरलिंक में क्लिक करेगा या पिवट टेबल को आप रिफ्रेश करोगे, ये सारे है इवेंट में। क्या होता है अभी तक जो आपने पढ़ा मैक्रो पढ़ा फंक्शन पढ़ा, मैक्रो में क्या था कि जब आपने मैक्रो बना लिया तो उसको आपको रन करवाना पड़ता था, तो वो आपके ऊपर डिसाइड था कि आप रन कब करना चाहते हो, आपकी मर्जी था या फिर जो भी यूजर यूज कर रहा है उसकी मर्जी था। लेकिन इवेंट मैक्रो में क्या होता है कि आपकी मर्जी नहीं चलती, यहां पे चलती है टाइमिंग, कि आपने किस टाइमिंग के लिए डाला है। मतलब मैंने बोला कि जब कोई सीट पे चेंज करे तो ये बैकएंड में एनी टाइम ऑन रहेगा, जैसे कोई सीट पे चेंजिंग करेगा अपने आप को एक्टिवेट कर लेगा, ऑटोमेटिक इस कोड को रन कर देगा। उसी तरीके से जैसे इस बटन पे, कमांड बटन पे कोई क्लिक करेगा ये सारा कोडिंग अपने आप परफॉर्म कर देगा। तो बैकएंड में एक सेपरेटर चलता रहेगा हमेशा, कि भैया देखता रहेगा कि भैया ऐसा तो नहीं है, एक्शन फॉलो तो नहीं हुआ है, जैसे फॉलो होगा सीधे इसको इंटीमेट करेगा, उठ जाओ तुम्हारा काम आ गया। अच्छा ठीक है ना, तो ये आपका इवेंट्स होते हैं, पूरा यूजर फॉर्म आपके इवेंट्स पे ही चलने वाले हैं। और एक और चीज थी, उस वक्त डुप्लीकेट वैल्यूज वाला उस, मतलब जो हमने कमांड्स पढ़े उससे पहले जब हमने इस क्लास को जीरो किया था आपने, अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो जीरो आ जाए, तो ऊपर की जितनी वैल्यूज हमने एक्सेल शीट में एंटर कर रखी थी उसकी B16 के वैल्यू ऑटोमेटिकली सारी जीरो हो गई थी, वो डुप्लीकेट थी, इस वजह से हुआ था या क्यों हो गया था वो? नहीं नहीं, आप बोल रहे थे कि ये जो ब्लैंक हो गई थी वो, हाँ नहीं यहाँ नहीं, जहाँ पे हमने पूरा डेटा स्टोर हो गया था वहां पे B16 की वैल्यू जीरो हो गई थी हमारी, इसकी वैल्यू में नहीं, नहीं यहाँ पे जीरो नहीं, यहाँ पे जीरो, हाँ जीरो इसलिए होगा ना, नहीं जीरो नहीं हुई थी, जीरो इसलिए होगा कि मैंने जैसे एंट्री किया मैसेज देगा ओके करेगा और जीरो प्लेस कर देगा, क्योंकि हमने इसमें कोडिंग दे रखा है कि यहाँ पे कंफर्म करो और चेंज करो। हाँ चेंज करो, बट वो ना उस वक्त शीट 2 में जितनी प्रीवियस एंट्रीज थी उनकी क्लास की वैल्यूज थी क्यों चेंज हो गई थी, अपने आप हो गई थी ये रहा ना। मैंने कमांड दे रखी है ना मैम कि पहले सीट को डेटा ट्रांसफर करो और फिर जहां से डेटा ट्रांसफर हुआ है उसको ब्लैंक कर दो, जीरो कर दो उसको। हाँ, इसलिए हुआ वो सही है,
नहीं, वो तो शीट वन में हो गया था सारी ब्लैंक्स, कि दोबारा फिर से आप फ्रेशली उसमें डेटा एंटर कर सकें, बट हाँ शीट टू में आप एक बार शीट टू में जाइए। हाँ शीट शीट टू में। यहाँ पे जहाँ पे हमने क्लास देखी, ये पूरा जीरो हो गया सारा, ऊपर से मैम पहले की जीरो वैल्यू ही भी तो हमने चेंज हुई। भेजा है। नहीं तो वो इस पर्टिकुलर रोल नंबर का चेंज होना चाहिए था ना, इसलिए ऑटोमेटिकली ड्यूप्लीकेट वैल्यू, इस वजह से सारा चेंज हुआ। नहीं हमने अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही नंबर डाला है ना, एक ही नाम है और हम एक ही एंट्री करवा रहे हाँ हैं। यही रीजन वही पूछ रहे, हाँ इसी एक ही वजह नंबर से हो डाल रहा रहे है हैं। वो। हाँ तो ये अच्छा डुप्लीकेट पूरा नहीं कर रहा है, पूरे को चेंज नहीं कर रहा है, वो जो हम टाइप करते उसी को करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अब मैं वन टाइप कर दूं और वन को ट्रांसफर कर दूं, अभी यहाँ पे डिवोग आ गया, क्या आ गया डिवोग? ओब्वियसली मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था ना, वो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है। बग को ओपन किया ही नहीं और मैंने कर दिया था इसको रजिस्टर ऑलरेडी, है ना, नाम चेंज करना पड़ेगा। श्वेता सिंह कर देता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर। सर, क्योंकि मॉम के नेम में हमने वो नहीं लगाई डुप्लीकेट। दिस का नाम पर्सन भी चेंज कर ऑलरेडी दीजिए। रजिस्टर्ड। आरआर की वैल्यू तो वही है ना, चेंज थोड़ी हुई है। सर वो है तो ना, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है सर। किस वजह से? इस वाला कोड कहाँ पे है? आधार वाला कनेक्शन कहाँ पे है? या मैंने एंड डाला है ना, ये प्लस तभी होगा जब एंड होगा, कुछ तो बोला मैं। एक मिनट देखने सर दो, यहाँ पे आदि लगना था कि कोई और वेरिएबल, आदि में पहले भी डिफाइन किया है। कहाँ आ रहा है यहाँ आर? अच्छा, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई है। डी इक्वल डी ने के कर देता हूँ, के ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए तो प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। अब नहीं आएगी, हो गया। यहाँ पे देखिए वन डाल दिया, कहाँ चेंज किया इसको, अच्छा ठीक है ना, चेंज नहीं किया, वो तो पहले से एक ही चीज डली हुई थी इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को ठीक ट्रांसफर कर सकते हो एक शीट से दूसरे शीट में, इस तरह के आप वैलिडेशन लगा सकते हो। जैसे हमने शीट पे किया है ना, सेम इसी तरह का हम फॉर्म पे भी करते हैं। हमारे पास यूजर फॉर्म जब आते हैं तो यूजर फॉर्म पे भी हम सेम कुछ इसी तरह का चीजें करते हैं। तो यूजर फॉर्म पे ये चीजें हम क्यों करते हैं, इस चीज को जानना जरूरी है, इस चीज को जानना हमें जरूरी है। एक सेकेंड, मुझे चलिए, तो ये समझ में आ गया ना आपको, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? तो इसमें अब बात करते हैं मैसेज बॉक्स में। हम मैसेज बॉक्स में हम कंफर्मेशन दे रहे हैं ना, कि मैसेज बॉक्स में कंफर्मेशन दे रहा है कि सारा टाइप करना है कि नहीं करना है यहां पे, कि यू वांट टू योर ऐड योर डेटा। तो अब मैं चाहता हूं कि जब डेटा ऐड करे तो पूरा का पूरा डेटा दिखाए मैसेज बॉक्स के अंदर, कि क्या आप ये सारा डेटा ऐड करना चाहते हैं, आया समझे? तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलिए हम इसका यूज करते हैं। तो उसके लिए इसी के ऊपर करते हैं, जगह देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैं लेता हूं मैं यहाँ पे, कि डिम एम जी मैसेज, उसको बोलते हैं ना,
एज ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, और इस पे करता हूं mg इक्वल टू, mg इक्वल टू, सबसे पहले हम यहां पे रोल नंबर लेते हैं, तो यहां पे हो जाएगा रेंज, ए हेडिंग तो चाहिए, ए थ्री, ए थ्री, और फिर एक कंबाइन होगा किसके साथ, वीवी टैब के साथ, मैं बताता हूं अभी एक एक एग्जांपल देके बताता हूं, वीवी टैब ए सिक्स के साथ, ठीक है, जैसे मैं इस पे ऐड करूंगा, ऐड करते ही दिस इज द वीवी टैब, हाँ स्पेसिंग मतलब ऊपर से ऐसा लगे कि एक टेबल की फॉर्म में आएगा, ऐसे नॉर्मली कंबाइन कर दोगे तो इकट्ठा रोल इकट्ठा ही आ जाएगा, तो इसलिए हमने वीवी टैब दिया ताकि इन दोनों के बीच में टैब की दूरी आ जाए, ताकि जब यहां पर वन दिखे यहां पर उसका नाम दिखे, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम यहीं पर बीवी टैब डेंस सिक्स की जगह क्या हो जाएगा, डेंस एट, फिर रेंज एट की जगह हो जाएगा रेंज टेन, ठीक है, और फिर यहीं पे टेन की जगह क्या हो जाएगा थर्टीन, और थर्टीन की जगह सिक्सटीन, और सिक्सटीन के बाद भी कोई है एटीन। अब यहां पे लंबा होगा ना काफी, तो यहां पे हम कर देते हैं स्पेस डाल के ए, एक ही क्या है कि अगर मैं दोबारा लाइन लिखूं गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं लाइन कर दिया, या फिर इसको करने की जरूरत भी नहीं है आपका, इसको रखने की जरूरत भी नहीं है, इसको डिलीट भी कर सकते, ये हो गया दोबारा दूसरी लाइन की कोडिंग करने के लिए, ठीक है अंडरस्कोर, तो आप यही पे कर सकते हो, हम यही पे कर देते हैं एम जी इक्वल टू एम जी और एन, हमें न्यू लाइन चाहिए, यहां पर देंगे वी वी न्यू लाइन, और यहां पे सारा कोड आ जाएगा वापस टैग के साथ, और जहां जहां पे मैंने ए डाला है बस वहां वहां पे मुझे बी करना है, क्या बी, 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 ठीक है डाउट। अब इसमें हम पूरा डालते हैं टेंथ, थोड़ी सी दिक्कत होगी ना, सेक्शन जो है सेक्शंस नीचे आ रहा है, सेक्शंस नीचे क्यों आ रहा है, क्लास को सेक्शन का एम में हमने टीवी टैप नहीं लगाया क्या लास्ट में, रेंज 18
A16 क्या है? A16 में तो लगा तो है, हो सकता है इसकी साइज कम की होगी ना, साइज की प्रॉब्लम हो रहा होगा। मैंने इस तरह से शो कर सकते हो आप, जब ये ज्यादा डेटा के लिए नहीं होता है, ज्यादा के लिए नहीं होता है, कम के लिए है। इसकी साइज में प्रॉब्लम हो सकती है कि इतना ही बड़ा साइज से जब बड़ा साइज में आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अरेंज कर लोगे तो आपका आपका पूरा डेटा दिख जाएगा। तो मैसेज बॉक्स में आप इस तरह का डेटा भी रिप्रेजेंट करवा सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट आप लोगों को? नहीं ना? आप तो प्रोजेक्ट बना लो भाई।